पहुंच चुके हैं हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा। Hey guys, what's up? Good evening, नमस्कार। आप हमारी ट्रेन को देख सकते हैं, ये हमारी ट्रेन कैसे घूम रही है। Guys, what an incredible view है। घर हम नहीं गए थे ना ऊपर बनी सोना, ट्रक का रास्ता देखो सब कैसे जा रहा है पहाड़ पे घूम घूम के। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत माँ वैष्णो देवी के पवित्र दरबार से। दरबार तो कल आप लोगों को दिखेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन ये आप लोगों को टनल और उनकी भूमि कटरा से मिल रही है। तो गाइज यहाँ पे इनको देख सकते हैं, ये केक खिलाने के लिए इतने सारे मंकी के पास चले गए। इसको दे दो, ये पीछे वाले पीछे वाले को दो, पीछे वाले को दो। खत्म, टाटा बाय बाय। और ये ट्रेन हमारी पता नहीं किस सदी में खुलेगी, यहाँ भी आधे घंटे से रुकी हुई है। ये ट्रेन तो लेट हो गई, लूडो खेल रहे थे। लेकिन सबसे पहला आपको करवाते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के रास्ते का दर्शन। तो ये रोड है जो चल चल के पैदल हम लोग को जाना है। अर्थ कुमारी का ये रास्ता है। इतना भव्य लुक है गाइस, कैमरा में तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन कितना सुंदर। पहुंच चुके हैं हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और जय माता रानी, जय माता दी। तो अब हम लोग चलते हैं ओवरब्रिज पे। हाँ यार, अब शुरू हो जाएगा सीढ़ी। बड़ा छोटा छोटा सीढ़ी गया है। तो गाइस अब आप लोगों को माता वैष्णो देवी का रास्ते का दर्शन तो करा ही दिए हैं। जय माता दी कमेंट में लिखिएगा। नवरात्रों का पावन दिन चल रहा है और आप सभी लोगों को खूब सारी ब्लेसिंग्स। जब हम लोग यहाँ से स्टेशन से निकल चुके हैं वैन में, और यहाँ पे बाहर निकलते ही होटल वाले लोग मिले, उन लोगों ने बोला कि 1000 रुपीज़ लगेगा 3 बेड का, और एकदम मार्केट के पास से 50 मीटर की दूरी पर। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, सारी फैसिलिटीज वगैरह भी है, 1000 रुपीज़ ही बोल रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 700 में रुके हुए थे। उस टाइम भी वाईफाई था। जैसे हम लोग आए होटल, होटल बिल्कुल मतलब हमें पसंद नहीं आया। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे होटल की तलाश में। यहाँ तो हम लोगों ने छोड़ दिया, अब चलते हैं बाजार में देखते हैं। 1000 नहीं 1500 2000 भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया मिलना चाहिए बस। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं होटल, और ये दूसरा होटल है हमारा जो कि पिछले वाले से बहुत बेटर है। आपको रूम टूर करा देते हैं। वॉशरूम एरिया जो कि डिसेंट सा है, और ये बेड रूम ट्रिपल बेड का हमने लिया हुआ है। सामने विंडो खोल के पूरा रोड आपको दिखेगा। अर्ली मॉर्निंग में जब उठेंगे ना तो इसमें अच्छे मतलब एकदम बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा, रोशनी आएगी। शीशा है, टीवी वगैरह सब कुछ अच्छा लगा। लाट साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। होटल से निकल के अब हम लोग फिलहाल खाना पीना खाए। खाना वॉज रियली बहुत टेस्टी, एंड बिना लहसुन प्याज का 250 रुपीज़ में हम तीनों ने खाना खाया। ज़बरदस्त है ना। इसमें हमने क्या क्या खाया, हमने लिया 10 रोटी और एक आलू मटर, 2 प्लेट चावल, हाफ ऑफ खाना तो 1 प्लेट हो गया, और फिर दाल दाल तड़का, पनीर, राजमा, इतना सारा कुछ हमने खा लिया भाई। 270 रुपये में एग्जैक्ट, 20 रुपये और एक्स्ट्रा लगे मेरे। और कौन सब्जी था, पालक वो राजमा, राजमा नहीं आपके प्लेट में जो सबसे साइड में नहीं था, वो आलू मटर आपके प्लेट में जो सबसे मिक्स मिक्स आलू गोभी, आलू गोभी था, आलू गोभी, आलू मटर, राजमा। चलो ठीक है, अब छोटा सा बच्चा है हमारे साथ ही, तो इस बच्चे का भी ख्याल रखना है ना, इसको भी खाना पीने का सारा सामग्री दिलाना है। तो कह रही है ए छोटे बच्चे क्या खरीद रहे हैं। इस छोटे बच्चे को अभी चिप्स वगैरह चाहिए, रात में भूख लग जाती है। मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। बाकी चलते हैं, आप लोग बने रहो जो भी होगा। और हम लोग चढ़ाई कल करेंगे, तो फिलहाल अभी रात का है,
अब सुबह जो होगा वो आपको सुबह दिखाऊंगा। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 8:45। उठ तो वैसे बहुत पहले ही गए थे लेकिन होता है ना आलस, सो रहो यार अभी क्या उठना। तो मनीषा भी उठ के अपना बाथरूम में, मैं उठ गई थी फिर मैं सोच रही थी कि कल तो रात भर जगना है आज। हाँ तो गाइस आज अभी हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे श्री माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए, और एक अंदर से बहुत पॉजिटिविटी आ रही है और जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा होगा। कहते हैं ना कि मतलब जब आपको लगे कि नहीं आपको किसी की कमी महसूस हो रही हो तो आप वैष्णो माता के दरबार आओ। आपके साथ हेलीकॉप्टर जा रहा है, आपके साथ बहुत अच्छा होगा, गया आप इतना थोड़ी दिखेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग जब भी बुलावा आएगा तभी तो आप लोग जाओगे, वैसे भी लेकिन कोशिश करो तो भी आप आ सकते हो, माता रानी का बुलावा आएगा तो कोशिश करना। बाकी अभी फिलहाल उठते हैं, सब फ्रेश व्रेश होंगे। मनीषा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग होटल लेके रेस्ट कर लिए ना, अब हम लोग सुबह सुबह हो चुका है, अभी 11-12 बजे तक चेकआउट करके फिर जय माता दी, फिर आराम से हम लोग यहाँ से उठेंगे और उठ के फिर यहाँ से अपना हम लोग निकल जाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसा करने वाले हैं, बाकी जैसा भी होगा आप लोगों को बताएंगे। अभी चलते हैं, पहले नहा हुआ के फ्रेश होकर उठते हैं। ये लड़की देखिए गाइस उठ गई है और उठ के चाय वाय पी के फिर रजाई में घुस गई है। अभी सबसे वेट कर रही हूँ कि ये उठेंगे, ब्रश करेंगे, फिर जाएंगे बाथरूम, लेकिन ये अभी नहीं। तुम मैं पता क्या गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि ये लड़की जाएगी एक बार अपना नहा धो के आएगी, क्योंकि इसको बहुत सारा झमेला होता है, लाइक बाल सुखाना, बाल को ड्राई स्ट्रेट पता नहीं क्या करना, फिर मेकअप करना, सबसे बड़ा पहाड़ वाला टाइम। जितने देर में ये अपना मेकअप करेगी ना उतने देर में तो मैं दो बार नहा के आ जाऊंगा। अरे तो टाइम नहीं हुआ है ना, हमें जाना है 1 बजे। झगड़ा मत करो, सुबह सुबह मिनट में क्यों जाऊँ नहाने, 10:16। हाँ 10:16 ही हो रहा है अब, ये जाएंगे उस टाइम तो मैं नहा धो के रेडी होके, मैं मुझे बैठना पसंद नहीं है किसी भी लड़की को। अरे तो बैठना पसंद नहीं, तीनों आदमी कैसे भाई नहा के बैठ गया है, नहा लियो ना इस तरीके जाए यो नहीं नहाया। अरे ये मेरे से उठते उठते सुबह से झगड़ा कर रही है, क्यों झगड़ा कर रही हो, झगड़ा ही न हो गई एक नंबर की। बोल लीजिए, सब लोग तो बोलते ही है, आप भी बोल लीजिए। बाप रे बाप, ये को डायलॉग सीखी है। हमको कुछ आता ही नहीं है ना, हमको बोलने आता है ना कुछ आता है। देखिए तो मेहनत से लिखे भुलवा दी कभी जा रहे थे। गाइस देखो अभी यहाँ पे मनीषा बैठ चुकी है, अभी जाएंगी, शीशे में ही मुंह देख सकता है इनका, ट्रॉली बैग जैसे खुला है ना वैसे का वैसे ही खुला रह गया। नहीं उसमें आपका कपड़ा भी रखना है ना, मेन बात है कि हम लोग जो कपड़ा पहने वो भी तो उसमें रखना है, इसीलिए खुला है एकदम ना, बड़ी बुजुर्ग की जैसा बतियाती है, हित चुकी, इसका मुँह भी हित चुकी है। देखिए मेरा पहले से मुँह छोटा हो गया है सूख के, पता है क्यों? क्यों मुँह छोटा हो गया पहले से? क्यों? बहुत सारा रीजन है, नहीं बता सकते। करने से मुँह छोटा हो जाता है ऐसा इसका भाई कह रहा है। तो गाइस चलो अब हम लोग यहाँ से उठते हैं, फ्रेश वगैरह होके निकलते हैं। अब बाहर जाएंगे ना तो वहाँ वाईफाई वगैरह मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने ये वाला सोचा ब्लॉग को पहले अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि अब ऊपर हम लोग चढ़ाई करेंगे तो वो वाला पार्ट जो है अब जो भी ब्लॉग होगा वो आपको कल ही दिखेगा, क्योंकि अब हम लोग रात भर उधर ही रहेंगे। ठीक है, नेट कम नहीं कर पा, धीरे धीरे चलता है, नहीं हो पाएगा अपलोड, कहाँ से हो पाएगा, 1 GB में कहाँ अपलोड होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई एम श्योर कि आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड अनदर ब्लॉग फॉर यू गाइज। मेरे चैनल पे भी ब्लॉग आता है गाइज, देख लीजिएगा। मैं दो दिन मनीषा की दुनिया पे गई, सारे लोग पता नहीं कहाँ चले जाते, समझ में नहीं आते, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ। तो अभी यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हेलीकॉप्टर से भी हम लोग को अगर जुगाड़ हो जाए तो आए। थैंक यू सो मच गाइज अगेन, थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारी सरप्राइज हैं अभी आप लोगों के लिए, बहुत मजा आएगा अगले कुछ व्लॉग्स में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और फिर से मैं प्रार्थना करूंगा वैष्णो देवी से कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका सब कुछ अच्छा हो, सब मनोकामनाएं पूरी हो। देखो मैं पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग, पता है मैं बहुत कम लोगों का रिप्लाई करती हूँ, जिनका हो पाता है उनका ही करती हूँ, लेकिन कल वाले मेरे चैनल पर जिसका भी कमेंट वो आया था ना कि मेरे एग्जाम है दीदी आप प्लीज प्रे कर लेना, तो मैं सबके लिए प्रे करूंगी
और मैं घर से भी प्रे सबके लिए अच्छा होगा। और एंड करते हैं इस छोटे से वीडियो को यहीं पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय। जय हिंद।